साथियों, आज हालात बड़े मुख्तलिफ हैं हमारे। आज छोटी छोटी बातों पर देखते हैं आप क्या हालात हमारे हो रहे हैं, किस अंदाज से हमें रुसवा करने की कोशिशें की जा रही है, किस अंदाज से इस्लाम के जो है ना तालीमात नहीं होने की वजह से हमारे घरों की क्या क्या हालात हो रहे हैं। साथियों, वो गुजरात की लड़की का वीडियो बड़ा काफी वायरल हो रहा है, हर एक के मोबाइल में है। मैं समझता हूँ जो होश वाला बच्चा है उसे भी पूछो आप, उसके नाम के साथ उसकी बात को बयान करेगा, इतना हो रहा है। और वो लड़की भी कोई ऐसी वैसी यानी अनपढ़ लड़की नहीं, जाहिल नहीं, गवार नहीं, वो भी एमए की हुई लड़की है, वो माशियात से एमए करी हुई लड़की है, और नाम भी उसके वालिदैन ने बड़ा सोचकर उसका अच्छा रखा, लेकिन सीरत पर वो मुकम्मल नहीं उतरी। लेकिन अल्लाह से दुआ है अल्लाह उस पर रहम कर, वो हमारी बहन है, हमें बड़ी तकलीफ हुई वो जब देख रहे। आज भी जब उसकी वो बातें सुनो आपको तकलीफ होती है। बुजुर्गो रजीज साथियों, यकीन माने आप, ये मुसीबतें कुछ हैसियत नहीं रखती, ये दुनिया छत रोजा दुनिया है, इसको ही हम अगर मुसीबत समझे तो होगा कैसे। हजरत सुमैया की जिंदगी को देखो रजी अल्लाह पर, ये इस्लाम की सबसे पहली शहीद होने वाली खातून है, ये बूढ़ी हो गई थी, ये अबू जहल के कब्जे में थी, उस जालिम ने आप पर इतने जुल्म किए, इतने जुल्म किए, यकीन मानो आपको जुल्म को सुन तक नहीं सकते आप, ऐसे जुल्म का बाजार गर्म किया, लेकिन आपने कभी ऐसे तरीके को नहीं अपनाया। आज हमारे बच्चियों को मालूम नहीं है सीरतें, ना बच्चों को ऐसी सीरतें मालूम है, क्योंकि हम सुनाने वाले ही उस अंदाज के नहीं रहे। ऐसे हालात हुए हैं, अरे अहले बैत के आधार को तो देखो, तो इमाम कासिम की जिंदगी को पढ़ो, अब्बास अहमद बरदार की जिंदगी को तो पढ़ो, इमाम हुसैन की सीरत को तो पढ़ो, वो जो है ना अहले बैत की खवातीन की जिंदगी को तो देखो, जिन माओ के सामने अली असगर जैसा 6 माह के बच्चे को सुबह कर दिया गया, 3 मार दी गई, कासिम जैसे जवान को शहीद कर दिया गया, उन औरतों के सामने इतना सब कुछ जुल्म हुआ, हम तो ये है कि उनके मुर्दे तक बाजार जो है ना शाम में खींच दिए गए, ऐसा जुल्म होने के बावजूद भी देखो उनकी जिंदगियां कैसी हैं, हमारी औरतों के लिए आइडियल है वो जिंदगियां, दुनिया की खातिर के मर्द मारा, शोहर जो है ना फला करा, फला ऐसा सताया, ये जुल्म किया, यकीनन ये बदबख्ती जरूर है, अगर वो बदबख्त ऐसा किया है वो जरूर बदबख्त है, इंतहाई जलील किस्म का है, पर अल्लाह उसे दुनिया में भी जलील करेगा और आखिरत में भी जलील करेगा, उसके खातिर अपने जिंदगियों को अपने हाथों से खत्म करने का इख्तियार हमें हरगिज नहीं है, ये अल्लाह की अमानत है, ये अल्लाह की अमानत है जिंदगी, अगर ये जिंदगियों को हम हमारे हाथों से खत्म करेंगे तो यकीन मानो आप ये दुनिया में भी रुसवा होंगे, खबर की जो मुझे पहली जो है नसड़ी है वहां से जो आजाद शुरू होगा, जो जिस हालत में कत्ल होगा वो उसी हालत में जो है ना कयामत तक उसका सामना करना पड़ेगा, अगर कोई दवा खाकर मरता है कयामत तक परवरदिगार उसे खत्म भी उस दवा से करेगा, फिर जिंदा करेगा, फिर खत्म करेगा, यही अमल मुसलसल कयामत तक होगा, अगर कोई कोत पे मरता है पानी में तो वो भी जो है ना यही अमल कयामत तक